आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल दर्शगाह हजरत फजल रहमा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन नज़र आ रहा है इसको ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप सबको उस वीडियो का इल्म हो जाए। सर आए थे कि काश अल्लाह दुआ फरमा दे और अल्लाह हमें हज की दौलत नसीब कर दे। अभी वो बैठे थे कि सरकार ने फरमाया कि अरे आप एक हज की बात करते हो, अल्लाह ताला तुम्हें दो बार बुलवाएगा अपने घर में, तुम्हें दो बार बुलवाएगा, बस इतना पढ़ते रहो। जाअकुम बशीरुम व नज़ीर, जाअकुम बशीरुम व नज़ीर, इसको पढ़ते रहो। इसको उन्होंने पढ़ा, दो बार शहादत हज उन्हें हासिल हुई और उसके अलावा जब उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए तो आपने उनका नाम, एक का नाम बशीर रखा और दूसरे का नाम नज़ीर रखा, इसलिए कि ये वजीफा हजरत सरकार फजल रहमा दिल मुरादाबादी ने अदा फरमाया था। अब बशीर और नज़ीर जो नाम रखे तो उनके साथी ने कहा, नाम तो रख लिया है लेकिन देखना अब कैसा फैजाने करम बरसता है। बशीर और नज़ीर दोनों बेटों को बारगाहे फजल रहमा से ऐसा फैजान मिला कि पूरी दुनिया में उनका सिक्का बज, उनका डंडा बजता था। दौलत के एतबार से अल्लाह ने इतना नवाजा, गरीबों की बड़ी मदद करते थे दोनों बेटे। जब बशीर मियां गंज मुरादाबाद हाजिर हुए हुजूर अहमद मियां की बारगाह में मुरीद हुए तो उनके दिल में ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, काश हमें भी औलाद मिल जाए। तो आप ये कहना चाहते थे कि हजरत सरकार सैयदना अहमद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम्हारी नियत महमूद है, तुम औलाद मसूद की तमन्ना रखते हो, फजल रहमा शाहिद है। इस तरह से आपने जुमले इरशाद फरमाए, वो मुतमईन हो गए। उसके बाद अबुल हसन साहब जो यहाँ के खादिम हुआ करते थे, हजरत की बारगाह में रहते थे, फरमाने लगे, बशीर मियां आपने कुछ समझा? हजरत ने कैसी दुआ दे दी? कहा कैसी दुआ दी है? कहा देखो आपने फरमाया है कि औलाद मसूद की जो नियत है वो बड़ी महमूद है, यानी नेक औलाद की जो नियत है बड़ी महमूद है। तो एक लफ्ज मसूद आया, दूसरा आया है महमूद, तीसरा आया फजल और चौथा आया है शाहिद। अल्लाह ताला इसी तरतीब से तुम्हें चार फर्जंद अता फरमाएगा। अल्लाह का यानी कि एक बुजुर्ग के हुजूर रहमत मियां के मुंह से चार लफ्ज ऐसे निकल गए तो बैठने वाले समझ गए कि चार बेटे होंगे, यानी उन्हें रात दिन का अंदाजा था कि इस बारगाह से क्या क्या नहीं होता। अल्लाह उन्होंने चार फर्जंद अता फरमाए, एक का नाम उन्होंने मसूद हलीम रखा, दूसरे का नाम उन्होंने महमूद हलीम रखा, तीसरे का नाम फजले हलीम रखा और चौथे का नाम उन्होंने शाहिद हलीम रखा। और अल्लाह ने उनकी औलाद में बरकत दी। इस तरह से इस बारगाह से लोग नवाजे जाते थे। यहाँ तो दिल की लकीरें पहले से पढ़ ली जाती है, यहाँ पर आओ तो दिल को संभाल करके आओ, यहाँ पर आओ तो जर्रा जर्रा तुमसे ये मुतालबा करता है कि ये अदब का मकाम है, ये वो जगह है जहाँ रहमतुल्लिलालमीन की आमद होती थी, ये वो जगह है जहाँ हसनैन करीमैन की आमद हुई है, ये वो जगह है जहाँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा को देखा गया, ये वो जगह है जहाँ पर हजरत गरीब नवाज को देखा गया। नवाजने के लिए ये बड़ी बड़ी शख्सियतें, अल्लामा का कष्ट ऐसा था, मोहब्बत ऐसी थी, इश्क ऐसा था, जिसको याद करते वो कर्म फरमाता और आपके पास आ जाता और आपको नवाज करके यहाँ से रुख्सत हो जाता। अजीजाने बिरकत इस्लामिया, तो हम जिनके कुल में शामिल है वो अल्लामा शाह फजल रहमा के ऐसे फर्जंद है कि सारी दुनिया उन्हें जानती है, जो अहले इल्म है वो जानते हैं, जो सूफिया है वो जानते हैं। और सरकार अफजाल रहमान भोले मियां अलैहि रहमतु व रिदवान, हजरत अहमद मियां रहमतुल्लाह अलैह का तवक्कुल बड़ा मशहूर है, लेकिन वक्त इतना नहीं कि मैं उस पर कुछ अर्ज कर सकूं। हुजूर भोले मियां अलैहि रहमतु व रिदवान का बहुत बड़ा एहसान है सारे मुरीदीन पर, सारे मुरीदीन पर, बल्कि सारे अहले सुन्नत पर, और कह लीजिए पढ़ने वाली मुताला करने वाली सारी दुनिया पर, क्योंकि इस खानकाह का इल्म जो सीना बसीना चला आ रहा था,
علامہ شاہ احمد میاں اور رحمت اللہ میاں کے زمانے تک تو لوگ آتے تھے اور اقتصاد فیض کرتے رہتے تھے, اس کے بعد لوگ اتنے بے پرواہ ہو گئے, نہ انہیں پیروں کی فکر رہی, نہ انہیں آستانوں کی فکر رہی. تو اب کون تھا جو انہیں سمجھا سکتا اس مقام کو؟ تو پوری خانقاہ پر, پورے مریدین پر, ساری دنیا پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ایک عاشق رسول اور یہاں جتنے بھی مشتاق مصطفیٰ ہیں ان سب کا تذکرہ افضال رحمانی اور رحمت و نعمت لکھ کر کے آپ نے فرما دیا کہ ہر مرید ہمیشہ کتابوں کو پڑھتا رہے گا اور اپنے بزرگوں سے جڑتا رہے گا اور ان سے فیض حاصل کرتا رہے گا. نہ صرف ایک کتاب, اگر رحمت و نعمت کی تفصیل کر دی جائے تو ایک کتاب میں 10 کتابیں بن جائیں گی. افضال رحمانی کی اگر ڈیٹیل لکھ دی جائے تو ایک کتاب میں 10 کتابیں بن جائیں گی. کسوٹی نام کی کتاب آپ نے لکھی, ترتیب نقیب نام کی کتاب آپ نے لکھی, تب سے اور بہت ساری کتابیں آپ ہمارے سے وجود میں آئیں. یہ علامہ شاہ فضل الرحمان کا ایک خصوصی پیغام حضرت سرکار بھولے میاں علیہ رحمت و رضوان کا تھا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان بارگاہوں سے جو فیض سلسلہ کا سلسلہ چلا ہے وہ کل کے بزرگوں کو بھی ملا, آج بھی ان شہزادوں کو بھی ملا ہے. آج بھی ہماری عقیدتوں کا رشتہ اگر مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ کل جو پیغام مولانا بابا پڑھتے تھے آج وہی پیغام ان کی اولادوں سے ہمیں مل سکتا ہے. کیا سمجھتا ہوں میں شاہی کی حقیقت جوہر, کیا سمجھتا ہوں میں شاہی کی حقیقت جوہر, فضل رحمان کی غلامی کی سنت پائی ہے. میں شکر گزار ہوں حضور سرکار معروف میاں سرکار اجو میاں قبلہ کا کہ انہوں نے اس کم وقت میں بھی 10 منٹ کا وقت اس ناچیز کو عطا فرمایا. مولا عزوجل ہمارے ان شہزادوں کے سائے تا دیر تمام مریدوں پر قائم و دائم رہے. اسلام علیکم. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل درسگاہ حضرت فضل رحمہ کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک یہ تعلیمات پہنچیں. میں انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو بنا کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. آپ سب کا دوست خاکسار مظہر فضل رحمانی.